लगता है सेल खत्म हो गया। हाँ अभी तो मैं तुमको 2 महीने चलाने वाली हूँ। हाँ? मम्मी मेरी प्यारी मम्मी, इतना मस्का की लगा रही मेरी बच्ची, कुछ चाहिए क्या? हाँ मम्मा, एक्चुअली है ना हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, तो उसके खाने पीने के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे, बस इतना ही बात थी। हाँ। कितना पैसा चाहिए? अभी देती हूँ। बस 2-3 हजार। 2-3 हजार? मुझे तो लगा 20-30 रुपया मांगेगी। क्या है ना बेटा, इतने सारे पैसे मैं निकाल के नहीं रखती हूँ, हम तो बैंक में ही जमा कर देते हैं, और इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए कम से कम 2-3 महीने तो लगे जाएंगे। मम्मा हम 2-3 हजार की बात कर रहे हैं, 2-3 लाख की नहीं। वही हम बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। हाँ बट क्या खाओगे इतने पैसों का? समोसा, कुछ कोल्ड ड्रिंक, ऐसा कुछ। अच्छा तो ये पहले बोलना था ना, अभी लेके आई मैं। समोसा और कोल्ड ड्रिंक खानी थी ना, तो देखो मैंने समोसे बना दिए और ये कोल्ड ड्रिंक की जगह मैंने जूस बना दिया, ये हेल्दी भी रहेगा। 50 रुपए में काम हो गया। फालतू में दुकान वाला तुमसे 2-3 हजार लेके ठग लेता, ले जाओ बाहर घूमो और मजे करो। मम्मी क्या है? मम्मा आज का तारीख याद है? आज का तारीख है 21st, और आपने तो बोला ही था कि आज आप हमें 3 डेज मूवी दिखाने वाले हो। हाँ मम्मी, आपने प्रॉमिस किया था, अब अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, तो आपको आज 3 डेज दिखाना ही होगा। हाँ बाबा, मैं कहाँ प्रॉमिस तोड़ रही हूँ, मैंने बोला था ना हम 21st को 3 इडियट्स साथ में बैठ के देखेंगे, तो आज तो देखेंगे ही ना। अच्छा एक काम करो, तुम लोग जाओ फटाफट तैयार होके आ जाओ। ओके ओके चल चल। मम्मी मम्मी जल्दी आओ, हम लोग तैयार हो गए। और आप पॉपकॉर्न को पैसे लाना मत भूलना। अरे अनु आयु जल्दी जल्दी टीवी ऑन करो, 8 बज गए, 3 इडियट्स आ रही होगी। क्या? हाँ मैंने कहा था ना हम मूवी देखने जाएंगे 21 तारीख को और साथ में बैठ के देखेंगे, तो आज 21 तारीख है और 8 बज रहा है, 3 इडियट्स आ रही है टीवी पे, जल्दी ऑन करो। लेकिन हमें लगता है थिएटर में जाएंगे। हाँ अरे बेटा थिएटर में जाके 1000 रुपया खर्च करके हम 3 इडियट्स देखेंगे, और यहाँ हम फ्री में बैठ के देख रहे हैं तो क्या बुराई है? थिएटर में क्या आमिर खान शाहरुख खान बन जाएगा क्या? चलिए हम देखते हैं, चालू करो। और हाँ ये देखो मैं पॉपकॉर्न भी बना के लाई हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी ला देते। मम्मा मम्मा ये देखो ये कैसी ड्रेस है? 4000? इतने में तो मेरा 6 महीने का खर्चा चल जाएगा। बेटा इसका कलर तो बहुत फीका है, कोई और सेलेक्ट करो ना, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। ये वाला कैसा? ये तो व्हाइट है, तो फीका भी नहीं है। 6000? बाप रे बाप, इतने का एक ड्रेस खरीदूंगी? इतने में तो मैं पूरी कॉलोनी को एक एक ड्रेस खरीद के दे दूँ। बेटा ये तो व्हाइट कलर है, तो बहुत गंदा होगा और मैं धो धो के थक जाऊंगी। इसमें और भी कलर है देखो। अरे ये कलर तो उससे भी ज्यादा गंदा है, एक काम करो मुझे दे दो, मैं ही कुछ अच्छा देख के ऑर्डर कर देती। ठीक है। आजकल के बच्चे ना बचत करना तो चाहते ही नहीं। ये देखो ये 199 की है और इसके साथ कैप और सॉक्स भी फ्री है। ये तो एकदम बेकार ड्रेस है मम्मा। वही तो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे तो सारे घटिया ही हैं। इससे अच्छा तो अपने बगल वाली चांदनी आंटी है ना, उनकी दुकान पे यही वाली सेम 150 में मिल जाएगी। मैं जाके तुम्हारे लिए वहीं से लेके आती हूँ। ठीक है। मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा, नहीं तो अनु मेरा 5000 खर्च करवा देगी जो मैं 5 साल से चला रही हूँ। मम्मा मम्मा क्या है? मुझे एक नया फोन चाहिए। नया फोन? तुम पढ़ाई लिखाई करोगी कि नया फोन लोगी? अभी लास्ट टाइम ये तो खरीद के दिया था ना। लेकिन मम्मा ये देखो ना, ये बटन वाला फोन है, उसी से काम भी नहीं करता, बार बार हैंग होता है। तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, उस वक्त ले ले। थैंक यू मम्मा, लेकिन मुझे एप्पल का फोन चाहिए। हाँ बाबा एप्पल, ऑरेंज, बनाना, जो चाहिए ले ले। हाँ जो भी है वो एप्पल का फोन तो 40-60 हजार के बीच में आ जाता है। क्या?
अरे मम्मा 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 उठो बेटा, तू मेरा स्मार्टफोन रख ले और अपना बटन वाला मुझे दे दे। तू अपने बर्थडे के दिन जीत करे, उससे पहले तू मेरा फोन रख ले। थैंक यू मम्मा, मेरे को फोन मिल गया। और हाँ, आज के बाद अकबर की बात मत करना। अगर मुझे पता होता अकबर इतना महंगा है, मैं खाना ही छोड़ देती। मम्मी, ओ मम्मी, क्या है? ये देखो मम्मी, शैम्पू की बोतल खत्म हो गई है, नई वाली बोतल दो। अरे बेटा, अभी इसमें बहुत शैम्पू है, अभी तो 3 दिन हमें चलाना है, महीने का लास्ट है। अरे कहाँ है मम्मी, पूरी खत्म है। अरे इनको लगाने नहीं आता, अभी इसमें तुम नल के नीचे आधा पानी भरो और खुद भी धो लेना, अनु के लिए भी रख देना, ठीक है? यार मम्मी, कंजूसी की भी हद होती है। कुछ बोली क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे बेटा, तुम दोनों को पता है ना हमारे की हालत कैसी है बेटा, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, तुम्हारे सारे दोस्त जा रहे हैं तो जाने दो बेटा, हम तुम्हारे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे जहाँ थोड़ी फीस कम हो, वैसे भी तुम दोनों पढ़ने में इतनी अच्छी हो, जहाँ जाओगी वही अच्छे नंबर लाओगी। तुम लोग क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, मेरे पास पैसे पड़े हैं, एडमिशन चलो करा दो। आप? हाँ वही आप। तुम लोग को क्या लगता है, मुझे कंजूसी करके अच्छा लगता है? हर माँ बाप कंजूसी करते हैं, बट खुद के लिए नहीं, हमेशा वो सोचते हैं हमारे बच्चे सुखी रहे, हमारा घर परिवार सुखी रहे। वैसे मैं भी करती थी कंजूसी, तो देखो आज तुम्हारे एडमिशन के लिए मेरी कंजूसी काम आई ना। थैंक यू आशा। देखो बेटा, आज मम्मी ने जो पैसे इकट्ठा किए थे ना, वही तुम दोनों को एडमिशन के लिए काम आएंगे। हाँ सॉरी मम्मा, हमेशा आपको कंजूस कहते रहते हैं, अभी हम समझ गए हैं, आप तो बस हमारी भलाई के लिए करते हैं। हाँ मम्मा, आज से हम तीनों समझ गए, वो कंजूसी जो आप इतने दिनों से करते थे, वो सिर्फ एक चीज देते, जिससे कि हमारे परिवार हमेशा खुशी से रह सके और कुछ भी रुकावट बीच में ना आए। तो चलो चले एडमिशन कराने। हाँ मम्मा, वी लव यू।